सो गाइस, तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग टेक्सम की हाई प्रेशर कार वॉश मशीन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सो गाइस, तो फिर बॉक्स के अंदर हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये हमारी मशीन है, ये 135 बार्स का प्रेशर क्रिएट करती है जिससे बहुत प्रेशर से पानी बाहर निकलता है और इतने प्रेशर से आप आराम से कार्डबोर्ड वगैरह भी काट सकते हैं। और गाइस, ये हमारी गन है, ये गन का नोजल लंबा करने के लिए है, इससे आप गन का नोजल लंबा कर सकते हैं। और गाइस, ये हमें एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट मिल जाता है जिससे आप पाइप वगैरह कर सकते हैं अपना, ये नोजल साफ करने के लिए मिलता है आपको, इससे आप अपनी गन का नोजल साफ कर सकते हैं, आगे से अंदर डाल के तरीके से आप अपने गन का नोजल साफ कर सकते हैं इससे। और गाइस, ये पाइप हमें एक और मिल जाता है, ये पाइप हमें जैसे कि आप अगर किसी बकेट वगैरह से पानी चलाना चाहते हैं तो फिर इसको आप बकेट में डाल देंगे और ये अपनी मशीन पर अटैच करके इससे आप बकेट से पानी डायरेक्ट चला सकते हैं। और ये हमें कार का फोम वॉश करने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, तो चलिए अब हम इसको आपको यूज करके दिखाते हैं। और गाइस, तो इस गन का अटैचमेंट आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको जब आप राइट साइड में घुमाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा तो इससे पानी का मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, और जब आप इसे लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो फिर इसका पूरा जो फेस है वो ओपन हो जाएगा और पानी बहुत फुल प्रेशर से बाहर आएगा। और गाइस, इसको आप दूसरा अटैचमेंट आप इसमें कैसे अटैच कर सकते हैं, तो सिंपली आपको इस तरीके से घुमाना है और ये ऐसे बाहर आ जाएगा। और गाइस, कुछ इस तरीके से आपको ये दूसरा नोजल इसमें अटैच कर देना है, यहाँ पर एक यहां से आपको इसे यहाँ पे अटैच कर देना है। तो गाइस, तो ये दूसरा नोजल हमारा लग चुका है। उसके बाद ये जो सामने आपको चूड़ी दिखाई दे रही है इसमें आपको ये वाला फिर से अटैच कर देना है। तो इसका मुझे कोई फायदा तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, इससे आप अपने गन का नोजल लंबा कर सकते हैं, मतलब जिससे आप मतलब टायर के साइड वाले एरिया में आराम से सफाई कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर लग चुका है। सो गाइस, तो चलिए अब हम आपको इसे यूज करके दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर के। सो गाइस, तो फिर अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो अब इस मशीन के आपको सारे अटैचमेंट्स हम लोग लगा के दिखाते हैं। तो लगाते हैं अब इसके अटैचमेंट्स। तो पहले हम ये वाला पाइप इसमें अटैच करेंगे क्योंकि ये हमारे बकेट में जाएगा, तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे ये लगाने के बाद आपको ये पाइप लेना है और इसको आपको इस वाली बकेट में डाल देना है। फिर गाइज, उसके बाद आपको ये जो गन है हमारी, इसका पाइप लेना है। इसका पाइप आपको 5 मीटर लंबा मिलता है, तो फिर इससे आप काफी दूर तक धुलाई कर सकते हैं चीजों की। गाइज, का पाइप लेना है आपको और ये आपको जहां पे स्विच है उस साइड में आपको इसे यहाँ पर लगा देना है। तो इसको आपको कुछ इस तरीके से अंदर डाल के। सो गाइज, ये सब लगाने के बाद आपको इसका ये स्विच ऑन कर देना है। तो ये हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद ये जो हमारी गन है इसका बटन आपको दबाए रखना है, तो इसमें वैक्यूम नहीं बनेगा और पानी डायरेक्ट इससे आ जाएगा। इसको आपको दबाए रखना है जब तक पानी ना जाए। आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा प्रेशर आ रहा है इससे। तो अब आपको चला के दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक जा रहा है इसका पानी। देख सकते हैं आप कितनी दूर तक जा रहा है इसका प्रेशर। और गाइस, ये जो नोजल है इसका आगे की साइड, अब इसको जब आप घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं अंदर दो प्लेट लगी हैं, वो बंद हो रही हैं। तो इससे क्या होता है, फॉग बन जाता है इससे। आप देख सकते हैं कैसे फॉग निकल रहा है इससे। जैसे आप होली पे भी यूज कर सकते हैं इससे, फॉग वगैरह कर सकते हैं इससे। तो ब्लू है, पानी पानी करेंगे आप लोग आराम से इससे, तो इससे ऐसे फॉग निकलता है और फुल प्रेशर पे ये आराम से गत्ते वगैरह भी काट देता है। तो फिर अभी हम आपको इससे कार्डबोर्ड काट के दिखाते हैं। सो गाइस, तो फिर अब हम आपको इस कार्डबोर्ड को इस मशीन की मदद से काट के दिखाएंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी मशीन को चलाएंगे। अरे, आप देख सकते हैं इसमें कुछ होल्स हो गए हैं, लेकिन वो थोड़ा मुड़ रहा है, तो जमीन पे रख के काटते हैं हम इसको। गाइस, आप लोग देख सकते हैं इस कार्डबोर्ड के कितने बढ़िया तरीके से इसने चित्र बना दिए हैं।
और गाइस आप चाहे तो इससे अपने डॉगी को भी नहला सकते हैं, जैसे कि हमारे डॉगी वहां पर बैठा हुआ है, इसको हम दूर से ही इस तरीके से यहाँ से नहला सकते हैं। नहीं, फुल प्रेशर पे मत नहला दीजिएगा, खाल बाहर आ जाएगी डॉगी की। तो इस प्रोडक्ट का बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।